दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वाड़ा भास्कर और उनके हस्बैंड फहद अहमद बहुत जल्दी एक बच्चे की पेरेंट्स बनने वाले हैं और इन्होंने हाल ही में इस बात को खुद सोशल मीडिया के सामने रखा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको स्वाड़ा भास्कर की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों अगर आपको भी स्वाड़ा भास्कर की एक्टिंग पसंद आती है तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनकी रियल नेम स्वाड़ा भास्कर चित्रापू है और निकनेम स्वाड़ा है और भी प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस है। दोस्तों इनकी जन्म 9 अप्रैल सन 1988 को दिल्ली इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से स्वाड़ा भास्कर अब 35 साल की हो चुकी है। दोस्तों स्वाड़ा नेशनलिस्टिक इंडियन है और रिलीजियंसिक हिंदू है। और बात करें इनकी जोड़क साइन के बारे में तो इनकी जोड़क साइन है एरियस। दोस्तों अगर बात किया जाए इनकी फिजिकली स्टेटस के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इनकी हाइट है 165 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 5 इंच और वेट है लगभग 50 kg। दोस्तों इनकी आई कलर डार्क ब्राउन है और हेयर कलर ब्लैक है। और वही अगर बात किया जाए इनकी शिक्षा जीवन के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई न्यू दिल्ली की सरदार पटेल विद्यालय से की है, जिसके बाद उन्होंने न्यू दिल्ली की मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, जहां से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर की डिग्री हासिल की। फिर इसके बाद उन्होंने न्यू दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला ली, जहाँ से उन्होंने फिर से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाड़ा भास्कर का जन्म न्यू दिल्ली की एक मल्टीकल्चरल फैमिली में हुआ था, जहां पर इनके पिताजी एक तेलुगु थे और माताजी एक बिहारी थे। दोस्तों स्वाड़ा भास्कर बचपन से ही एक डांसर बनना चाहती थी और वो जब 7 साल की थी तभी से उन्होंने डांसिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी और इन्होंने भरतनाट्यम डांसिंग की ट्रेनिंग भी लिया है गुरु लीला समसन से। दोस्तों अगर बात किया जाए इनकी एक्टिंग करियर के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत एज अ थिएटर आर्टिस्ट की थी और इन्होंने सबसे पहले एनके शर्मा की एक्ट 1 से अपनी करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों अगर बात किया जाए इनकी फिल्मी करियर के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहली बार के लिए बॉलीवुड में डेब्यू की थी फिल्म गुजारिश से, लेकिन इसके बाद 2011 में जब इन्होंने तनु वेट्स मन्नू में पायल के किरदार में नजर आई तो इनको बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बन गई। फिर इसके बाद 2013 में उनको बॉलीवुड फिल्म रंजना में ब्रेक थ्रू रोल करने की मौका मिली। दोस्तों आपको स्वाड़ा भास्कर कैसी लगती है ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। दोस्तों स्वाड़ा भास्कर के पिताजी के नाम है चित्रापू उदय भास्कर और माताजी के नाम है ईड़ा भास्कर। दोस्तों स्वाड़ा भास्कर का एक भाई है जिसका नाम है ईशन भास्कर। स्वाड़ा भास्कर मैरिटल स्टेटस की ओर से फिलहाल मैरिड है और इनके हस्बैंड की नाम है फहद अहमद, जिनसे इन्होंने 6 जनवरी 2023 के दिन शादी के बंधन में बंधी थी। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाड़ा भास्कर और उनके हस्बैंड फहद अहमद बहुत जल्द ही एक बच्चे की पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाड़ा भास्कर के पास एक फोर व्हीलर मौजूद है जिसकी नाम है BMW X1, जिसकी कीमत है करीब 1.5 करोड़ रुपए। और वही बात करें इनकी हाउस के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि स्वाड़ा भास्कर फिलहाल अपने हस्बैंड फहद अहमद के साथ मुंबई की यारी रोड के पास A3BHK एक सुंदर अपार्टमेंट पे रहते हैं। तो दोस्तों ये थी स्वाड़ा भास्कर की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दे इस वीडियो के लिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।